हेलो गाइस आज हम आपको सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ मैथ्स में चैप्टर सिक्स ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर का लास्ट क्वेश्चन लास्ट इन द सेंस जो हमने कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करवाई है वन क्वेश्चन इज मिसिंग दैट इज द क्वेश्चन नंबर थर्टीन याद है ना आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर थर्टीन में टोटल इलेवन पार्ट तो उसको हम अलग से ही सॉल्व करेंगे तो आज की वीडियो में हम आपको टोटल इलेवन पार्ट करवाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन के क्वेश्चन का हेडिंग सबके लिए सेम रहेगा डिटरमाइन द इंटरवल वेयर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पर हमारा गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है 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 ये हमें पता करना ठीक तो टोटल इसके दिए हैं हैं आइए फटाफट तेजी में में चालू करते ठीक है 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 30x, है देखिए फर्स्ट पार्ट ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन पावर और एडिशन तो सबसे पहला हमारा काम है थ्री बेस पर आएगा सिक्स मल्टीप्लाई एक्स पावर टू टू बेस पर आएगा सिक्स इन टू में एक्स और थर्टी सिक्स का सिंपल सा नेगेटिव थर्टी सिक्स रहेगा आपको सिक्स को कॉमन कर लेना है और साथ में एक्स पावर टू माइनस में एक्स माइनस में सिक्स करना है हमें अब सिक्स का फैक्टर बनाना है माइनस करने पर वन हो जाए तो आप हंड्रेड परसेंट कहेंगे सर थ्री और टू बनेंगे थ्री टू को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आएगा और माइनस करने पर वन आ जाएगा इसका मतलब यह है हम लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर टू माइनस थ्री इंटू एक्स एडिशन में टू इंटू एक्सटिव सिक्स दो, दो बना करके values को कॉमन करेंगे तो final answer बनेगा अपने पास में 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 के के साथ में x addition में 2, x के साथ ठीक है भाई आ गए हैं हमारे पास इन फैक्टर्स को मतलब derivative को 0 से equate करके value of x पता कर लेंगे तो यहीं पर नोट करेंगे ठीक है एफ डैश एक्स जीरो अगर एफ डैश एक्स जीरो है तो एक बार वैल्यू नोट करेंगे 6 में मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू का टोटल वैल्यू जीरो है ठीक है फिर एक बार ये वाला ब्रैकेट जीरो बनेगा तो x माइनस थ्री जीरो होगा तो हमारे x का वैल्यू थ्री है साथ में ही सेकंड वाला ब्रैकेट है x प्लस टू तो x प्लस टू को जीरो करने पर वी विल गेट x इक्वल टू माइनस टू ठीक है भाई x का वैल्यू थ्री है और x का वैल्यू माइनस टू है इतना करने के बाद हमें यहाँ पर इंटरवल बना लेने हैं तो छोटा सा इंटरवल बनेगा यहाँ बना लेते हैं ठीक है छोटा सा इंटरवल आएगा सबसे पहले माइनस टू आएगा इंटरवल यानी कि नंबर लाइन पर इनको प्लॉट करना है तो माइनस टू है माइनस टू के बाद में सिंपल थ्री है थ्री से इंफिनिटी है और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी है ठीक है कुल मिलाकर के आपके पास तीन इंटरवल आएंगे ये फर्स्ट इंटरवल सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल वी विल यूज बॉक्स मेथड ठीक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर में आगे नेचर पता करने के लिए बॉक्स मेथड का यूज करेंगे तो बॉक्स मेथड में सबसे पहला हैडिंग इंटरवल ठीक है भाई सबसे पहला इंटरवल इंटरवल के बाद में साइन ऑफ डेरिवेटिव ठीक है भाई साइन ऑफ एफ डैश एक्स डेरिवेटिव का साइन कैसा है और इसके लास्ट में यहाँ पे नेचर नोट करेंगे ठीक है नेचर का मतलब है

अगर वैल्यू माइनस टेन है तो यहाँ पे माइनस टेन सब्सिट्यूट करना है और देखना है साइन कैसा बनेगा ठीक है तो सिक्स तो भाई पॉजिटिव ही रहेगा है ना सिक्स तो चेंज होगा नहीं तो सिक्स पॉजिटिव रहेगा हमने माइनस टेन पुट करा है तो माइनस टेन और माइनस थ्री माइनस थर्टीन हो जाएगा एग्री करते हो मेरी बात से माइनस टेन और माइनस थ्री माइनस थर्टीन हो जाएगा तो माइनस थर्टीन तो नेगेटिव है इसके बाद माइनस टेन प्लस टू करना है माइनस टेन प्लस टू माइनस एट आएगा वो भी नेगेटिव है है ना वो भी कुल मिला के नेगेटिव है तो दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव कैंसिल होकर के इसका फाइनल आंसर पॉजिटिव बनाएंगे पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग आंसर है ठीक है भाई पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग आंसर है क्या आपको यहां तक कोई डाउट है ऐसा ही आपको बाकी के इंटरवल्स में भी करना है ओके अभी करते हैं दो फोन आ रहा है फोन देख लू फिर आगे करते हैं आइए जी देखिए तो हम आपको बोल रहे थे अब यहाँ पर आपको कोई एक वैल्यू कंसिडर करना है माइनस टू से थ्री का वैल्यू तो हमारे लिए वन परफेक्ट वैल्यू है या फिर आप कह सकते हैं सर जीरो भी परफेक्ट वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में जीरो भी आ जाएगा है ना सो जीरो सब्सिट्यूट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई सेकंड है से लेके थ्री और माइनस टू से लेके थ्री में हमने देखा जीरो वैल्यू परफेक्ट है तो सिक्स तो पॉजिटिव है भाई तो पॉजिटिव ही रहेगा के साथ कोई हैड़कानी नहीं है पॉजिटिव रहेगा जीरो माइनस थ्री करेंगे जीरो माइनस थ्री पे माइनस थ्री आंसर आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा और जीरो प्लस टू करेंगे जीरो प्लस टू टू पॉजिटिव आंसर बनेगा तो यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है दो पॉजिटिव मतलब -फट स्पीड से तीसरा इंटरवल देखेंगे थ्री से बड़ा वैल्यू चाहिए आपको थ्री से बड़ा वैल्यू हमें टेन कर लेते हैं फाइव भी कर सकते हैं फोर भी कर सकते हैं हम टेन कर लेते हैं सो so सिक्स तो पॉजिटिव है भाई पहले तो यहाँ पे लिख दो इंटरवल है थ्री से इन्फिनिटी थ्री से इन्फिनिटी के बाद में सिक्स वाला वैल्यू पॉजिटिव है सिक्स पॉजिटिव के बाद में यहाँ पे टेन माइनस थ्री करेंगे टेन माइनस थ्री सेवन भी पॉजिटिव है और टेन प्लस टू करेंगे ट्वेल्व ट्वेल्व भी पॉजिटिव है तीनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा और पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग है ना भाई डेरीवेटिव अगर पॉजिटिव है तो डेरीवेटिव का पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है तो दो इंटरवल इंक्रीजिंग के हैं एक इंटरवल डिक्रीजिंग का है एग्जाम में इसी तरीके से आपको करना है बस जो मैंने ये बॉक्स ना आप अपने एग्जाम में पेंसिल और स्केल का यूज करके बनाना इसे ठीक है ये इस तरीके का का बॉक्स आएगा पेंसिल स्केल यूज करके बढ़िया शानदार तरीके का बनाना और फिर साथ में लिख देना मतलब लास्ट में लिख देना सो एफेक्स बॉक्स से पता चला है कि जो एफेक्स है वो इंक्रीज करेगा ठीक है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कहाँ इंक्रीज करेगा एक तो इस इंटरवल में और एक इंटरवल में सो इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से माइनस टू में अब इसको भी इंक्लूड करना है दो दो इंटरवल इंक्लूड करने हैं तो यूनियन साइन आएगा ठीक है यूनियन साइन के साथ में थ्री से इंफिनिटी ठीक है ये इंक्रीजिंग का आ गया एंड हमने ये भी पता करा कि ये डिक्रीज करेगा ठीक है ये डिक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा सिर्फ इस सेकेंड वाले इंटरवल में यानी माइनस टू से थ्री में ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से वेरी 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 सिंपल है ना आसान है ना बताओ मुझे सिमिलर ऐसा ही बिल्कुल जैसे मैंने नोट करा है ना ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में करना है ठीक है टू मार्क्स थ्री मार्क्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो सेम ऐसे ही करना है आपको ठीक है फटाफट आप इसे नोट करें फिर इसका सेकंड करते हैं हम देखिए भाई सेकंड भी जैसे हमने फर्स्ट करा वैसे करेंगे फटाफट हमारा सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव है तो फोर एक्स पावर थ्री का डेरिवेटिव ठीक है ना पहले दो सॉल्यूशन लिख लो ठीक है सॉल्यूशन में एफ डैश एक्स आ गया है एफ डैश एक्स फोर एक्स पावर थ्री यानी कि ट्वेल्व मल्टीप्लाई एक्स पावर टू सिक्स एक्स कि सिंपल ट्वेल्व एक्स और सेवनटी टू सिंपल सेवनटी टू रहेगा ट्वेल्व हम देख पा रहे हैं कॉमन है तो विदिन ब्रैकेट एक्स पावर टू माइनस में एक्स माइनस में सिक्स अरे ये तो बिल्कुल सेम हो गया जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट करा है आगे से तो बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया ना बस ट्वेल्व की जगह पे मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में था और यहां पे है बाकी और कोई चेंज नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा जो हमने आपको पहले करवाया है बू वैसा ही होगा तो मैं अभी इसके आगे लिख देता हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर वन ठीक है जैसे मैंने पहले किया था वही करना है आपको सो सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्टीन का फर्स्ट पार्ट इसके आगे आप अपने आप कॉपी कर देना वहां से ठीक है ओके मेरे दोस्तों भाई आपने अभी फर्स्ट पार्ट ना मेरे साथ वैसा ही तो है नोट कर दिया है ठीक है वही सिमिलर फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव पहला स्टेप डेरिवेटिव है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप अबे फर्स्ट को लिख रहा हूं यार मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले डेरिवेटिव ठीक है टू थ्री मल्टीप्लाई एक्स एडिशन टू आएगा ये यहाँ से डिफरेंट है तो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे टू का फैक्टर बनाना है प्लस करने पे थ्री हो जाए तो टू और वन ही बनेगा फैक्टर है ना टू और वन फैक्टर बनेगा तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर टू माइनस में टू एक्स माइनस में एक्स प्लस सेम रहेगा फर्स्ट टू में से कॉमन एक्स कर लेंगे ठीक है फर्स्ट टू में से कॉमन एक्स कर लेंगे और बाकी जो टोटल आंसर आएगा वो एक्स माइनस टू के साथ में एक्स माइनस वन हो जाएगा ठीक तो है तो ये हमारे फैक्टर बने हैं फैक्टर बनने के बाद में डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर देंगे सो एफ डैश एक्स का टोटल वैल्यू जीरो

बॉक्स मेथड में सबसे पहले इंटरवल इंटरवल के बाद में साइन ऑफ डेरिवेटिव ठीक है ना भाई साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखना है डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव है और उसके बाद फाइनली नेचर कैसा है ठीक है ना इसके बाद फाइनली नेचर कैसा है एफ एक्स का ठीक है भाई फंक्शन का नेचर कैसा है सो इंटरवल फर्स्ट इंटरवल ये वाला है माइनस इन्फिनिटी से वन वाला पहला इंटरवल है सो माइनस इन्फिनिटी से वन वाला इंटरवल वन से छोटा वैल्यू कोई भी लेना है जीरो कर लेते हैं जीरो यहां पे सब्सिट्यूट करेंगे सिक्स तो पॉजिटिव रहेगा देखो भाई सिक्स पॉजिटिव रहेगा जीरो माइनस टू करना है जीरो माइनस टू माइनस टू नेगेटिव आएगा सो माइनस साइन जीरो माइनस वन करना है तो फिर माइनस वन आएगा माइनस वन अगेन नेगेटिव साइन सो नेगेटिव साइन दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर पॉजिटिव बनाएंगे पॉजिटिव का मतलब है इनक्रीजिंग यस और नो भाई पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग इसके बाद सेकंड इंटरवल सेकंड इंटरवल ये वाला वन से लेके टू वाला ठीक है भाई वन से लेके टू वाले में 1.5 वैल्यू परफेक्ट रहेगा 1.5 सो सिक्स तो पॉजिटिव रहेगा सिक्स पॉजिटिव है 1.5 में 2 माइनस करेंगे 2 ग्रेटर वैल्यू होने की वजह से नेगेटिव आंसर जनरेट करेगा तो माइनस है x माइनस वन वन तो पॉजिटिव आंसर है पॉजिटिव आंसर है तो यहाँ पे प्लस रहेगा दो प्लस है एक माइनस है तो टोटल नेगेटिव आंसर है नेगेटिव का मतलब है है डिक्रीजिंग ठीक है भाई नेगेटिव का मीनिंग हुआ डिक्रीजिंग है उसके बाद में फाइनल लास्ट वाला टू से इन्फिनिटी वाला इंटरवल सो so टू से इन्फिनिटी ठीक है भाई टू से इन्फिनिटी दो से बड़ा वैल्यू लेना है तो फाइव कर लेते हैं इस बार ठीक है सिक्स तो पॉजिटिव रहेगा भाई सिक्स पॉजिटिव रहेगा फाइव माइनस टू करेंगे तो थ्री होगा थ्री भी पॉजिटिव है सो थ्री पॉजिटिव है एक्स माइनस फाइव तो फाइव माइनस वन फोर हो गया फोर का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव तीनों प्लस हैं तो तीनों प्लस हैं तो पॉजिटिव है पॉजिटिव तो का मतलब इंक्रीजिंग है ठीक है भाई पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है ये पूरा इंटर जो हमने बॉक्स बनाया है आप इसको पेंसिल स्केल से बनाइएगा ठीक है अभी फिलहाल आप यहाँ पे लास्ट में नोट करेंगे फाइनल आंसर में हमने पता किया है सो एफएक्स ठीक है जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है ठीक है फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन कहां इंक्रीज करेगा एक तो यहां पर और एक यहां पर तो माइनस इनफिनिटी से वन में ठीक है माइनस इनफिनिटी से वन में यूनियन साइन सेकंड वाला है 2 से इनफिनिटी सो 2 से इनफिनिटी में एंड डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी करेगा ठीक है कहाँ पे डिक्रीज करेगा सो so, डिक्रीज करेगा इस वाले इंटरवल में ठीक है वन से टू वाले में सो so, डिक्रीज करेगा वन से टू वाले इंटरवल में सो so, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया ठीक है भाई वेरी 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 सिंपल बस आप इसको कंप्लीट कर लेना ठीक है इसको कंप्लीट कर लेना बाकी तो आगे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया फटाफट आप एक बार इसको नोट करें फिर इसका करेंगे हम फोर्थ पार्ट ठीक है भाई फोर्थ पार्ट भी थर्ड पार्ट के जैसे ही है बस यहाँ पे आपको साइन का डिफरेंस देखने को मिलेगा ठीक है तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वहां पे इंटरवल में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था उनका नेचर चेंज हो जाएगा बाकी सब सेम है आइए फटाफट कर लेते हैं ठीक है एकदम स्पीड से कर लेते हैं एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स का आंसर बनेगा इन टू में एक्स पावर टू नेगेटिव एटीन मल्टीप्लाई एक्स और माइनस में ट्वेल्व माइनस सिक्स वैल्यू कॉमन करने पर बनेगा एक्स पावर टू के एडिशन में सिंपल सा थ्री इन एक्स सिंपल सा टू ठीक है भाई माइनस सिक्स कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएगा इसके बाद में नेगेटिव सिक्स के साथ में ही फैक्टर बनाएंगे टू और वन फैक्टर हैं तो एक्स पावर टू के एडिशन में टू एक्स है और इसके एडिशन में एक्स है एडिशन में टू है कॉमन वगैरह लेंगे तो नेगेटिव सिक्स के साथ में एक्स प्लस टू हो जाएगा और एक्स प्लस वन हो जाएगा ठीक है ये डेरिवेटिव आ गया फैक्टर बन गया है डेरिवेटिव को जीरो करना है तो एफ डैश एक्स वैल्यू जीरो सो एक्स प्लस टू ठीक है पहला फैक्टर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस टू है साथ में ही x प्लस वन को अगर हम जीरो करेंगे तो हमारे x का वैल्यू माइनस वन है ठीक है भाई? है और माइनस वन है साइन चेंज करने की वजह से बस यहाँ पे ये यह साइन में फर्क आ रहा है ठीक है जो पहले क्वेश्चन किया था वन से टू आया था यहाँ पे क्योंकि यहीं पे साइन चेंज है तो माइनस वन से माइनस टू आया है कोई इशू नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है आपको यहाँ पे इंटरवल बनाने हैं ठीक है ठीके? इंटरवल आपको बनाने हैं इंटरवल पे पहले माइनस टू आएगा फिर माइनस वन आएगा इंफिनिटी आएगा और माइनस इन्फिनिटी आएगा बॉक्स मेथड फटाफट कंस्ट्रक्ट कर लेना है हमें तो बॉक्स मेथड में सबसे पहले इंटरवल आएगा ठीक है भाई इंटरवल के बाद में डेरिवेटिव का साइन हमें नोट करना है तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स ठीक है भाई साइन ऑफ एफ डैश एक्स साइन के बाद में नेचर आएगा ठीक है भाई के बाद में नेचर आएगा सो नेचर ऑफ एफेक्ट फंक्शन का नेचर कैसा है तो सबसे पहला इंटरवल है ये वाला माइनस टू वाला ठीक है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तो माइनस टू से छोटा वैल्यू माइनस टेन कर लेते हैं अब यहाँ पे देखो नेगेटिव सिक्स है माइनस का सिक्स है तो माइनस का सिक्स का मतलब नेगेटिव है यहाँ पे माइनस का टेन पुट करेंगे तो माइनस टेन प्लस टू करना है तो आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा यहाँ पे माइनस टेन पुट करेंगे माइनस टेन बड़ा वैल्यू रहेगा तो नेगेटिव रहेगा तीन आंसर नेगेटिव हैं मतलब तीनों के तीनों फैक्टर नेगेटिव हैं दो नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे वन नेगेटिव रिमेनिंग रहेगा इसका मतलब फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आंसर नेगेटिव नेगेटिव है की वजह से नेचर डिक्रीजिंग हो जाएगा ठीक है ना नेचर कैसा हो जाएगा नेचर डिक्रीजिंग हो जाएगा मैं समझता हूं आपको यहाँ पे डाउट आ सकता है क्योंकि हमने जब ये कंसेप्ट पेड बैच में करवाया था वहां पे डाउट आ गया था सो देखो भाई नेगेटिव सिक्स है ठीक है नेगेटिव सिक्स है इसके साथ में माइनस का टेन एडिशन टू है और साथ में नेगेटिव टेन एडिशन वन है नेगेटिव सिक्स सेम है आगे नेगेटिव एट है आगे नेगेटिव नाइन है हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना हमें मल्टीप्लाई नहीं करना हमें बस ये देखना है कि ये क्या है तो माइनस का है ये वाला क्या है ये भी माइनस है ये वाला क्या है ये भी माइनस है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट होगा तो वन रिमेनिंग रह जाएगा ओनली वन नेगेटिव साइन विल बी रिमेनिंग आंसर टोटल फाइनल नेगेटिव आएगा नैगेटिव की डिक्रीजिंग है ठीक है तो ये सब चीजें हम करके नहीं दिखाते हैं हम बस ये साइन चेक करते हैं कि भैया साइन कैसा है प्लस है माइनस है क्या है ठीक है अब देखो माइनस टू से माइनस वन है से में हमें काम करते हैं माइनस वन पॉइंट फाइव लेते हैं ठीक तो तो है तो नेगेटिव सिक्स तो नेगेटिव ही रहेगा ठीक है नेगेटिव नेगेटिव रहेगा है तो टू ग्रेटर वैल्यू है ग्रेटर वैल्यू है है तो आंसर पॉजिटिव अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे, तो वन पॉइंट फाइव के आगे नेगेटिव साइन है वो बड़ा भी है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल होकर के आंसर बनाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग ठीक है भाई द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव तो माइनस टू से माइनस वन है ठीक है भाई माइनस टू से माइनस वन है पॉजिटिव है इंक्रीजिंग है इसके बाद में माइनस वन से बड़ा वैल्यू तो जीरो परफेक्ट वैल्यू है ना इस इंटरवल के लिए जीरो परफेक्ट वैल्यू है तो नेगेटिव सिक्स तो भाई नेगेटिव ही रहेगा जीरो प्लस टू करेंगे तो आंसर पॉजिटिव जीरो प्लस वन पॉजिटिव दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है फाइनल आंसर नेगेटिव है ठीक है negative ना फाइनल आंसर नेगेटिव है नेगेटिव की वजह से आंसर विल बी डिक्रीजिंग ठीक है ना आंसर कैसा है आंसर डिक्रीजिंग है आप यहाँ पे नोट करेंगे माइनस वन से लेके इंफिनिटी ठीक है भाई बॉक्स मेथड रेडी हो गया दो इंटरवल डिक्रीजिंग के हैं एक इंटरवल इंक्रीजिंग का है जल्दी से फटाफट लास्ट में नोट कर देंगे सो so, एफेक्स हमने पता लगाया एफेक्स इज इंक्रीजिंग जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है कहां पर कहाँ इंक्रीज हो रहा है सिर्फ इस इंटरवल में माइनस टू से माइनस वन में सो माइनस टू से माइनस वन में इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है दो इंटरवल हैं एक तो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले का वैल्यू है माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन साइन लास्ट इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से मतलब माइनस वन से इंफिनिटी इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को पूरा करना है ठीक है भाई ओके okay? सो so फटाफट तेजी में इसको नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे फिफ्थ करेंगे इसका देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्टीन का फिफ्थ पार्ट सिंपल सा आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स वेरी 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 सिंपल एक्स एडिशन वन बाई एक्स है तो डेरिवेटिव सॉल्यूशन में यूल डेरिटिव एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इस छोटे से एक्स का डेरिवेटिव वन होगा और इस कंप्लीट वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस में वन डिवाइड बाय एक्स पावर टू होगा फटाफट तेजी में हम इसका एलसीएम कर लेंगे तो एक्स पावर टू माइनस वन के डिनोमिनेटर में एक्स है न्यूमरेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा तो एक्स माइनस के साथ में एक्स प्लस आएगा

आपको नेचर डिटरमाइन करके देना है कि उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट से पहले इंक्रीज हो रहा था और उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट के बाद में डिक्रीज हो रहा है तो जितने भी टोटल फैक्टर आपका डिसीजन मेकिंग फैक्टर है यानी कि ऐसे पॉइंट जिससे डिसीजन बनाया जाएगा कि भैया इससे पहले पॉजिटिव उससे पहले नेगेटिव वो सभी क्रिटिकल पॉइंट के कैटेगरी में आएंगे तो अगर ये एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में भैया इसको भी हमें जीरो करना है इसको भी जीरो करना है इसको भी जीरो करना है, है। सिर्फ न्यूमरेटर को जीरो नहीं करना पूरे ऑल थ्री फैक्टर को हम जीरो करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स माइनस वन का वैल्यू जीरो है तो सिंपल सिंपल एक्स का वैल्यू वन है उसके बाद x प्लस वन का वैल्यू जीरो है तो हमारे x का वैल्यू माइनस वन है लास्ट में डिनोमिनेटर वाला फैक्टर डायरेक्ट x इक्वल एक टू जीरो है ठीक है तो जो आपके इंटरवल बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे भाई सबसे पहले माइनस वन आएगा फिर जीरो आएगा फिर वन आएगा यहाँ पे इंफिनिटी होगा यहाँ पे माइनस इंफिनिटी होगा अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इस डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट नहीं करेंगे अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट नहीं करोगे माई डियर स्टूडेंट तो ये वाला आंसर आपका हट जाएगा यहां से ये वैनिश हो जाएगा वैनिश हो जाएगा तो जो यहाँ पे अभी तीन फैक्टर है वो दो फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आंसर में हंड्रेड परसेंट गड़बड़ होगी तो क्रिटिकल पॉइंट डिटरमाइन करने का मतलब है आपको वो छोटे बच्चों वाला अप्लाई नहीं करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब चीजें ना जितने फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं उन सभी फैक्टर को हमें जीरो से इक्वेट करना है

फिर इसके बाद में भी ये वाला इंटरवल तो जीरो से लेके वन वाला इंटरवल ठीक है और इसके बाद में लास्ट वाला वन से इन्फिनिटी सो वन से इन्फिनिटी इंटरवल तो टोटल फोर इंटरवल हैं और यहाँ पर साइन ऑफ डेरिवेटिव ठीक है साइन ऑफ एफ डैश एक्स डेरिवेटिव का साइन कैसा रहेगा और साथ में यहाँ पे नेचर ऑफ एफ एक्स ठीक है भाई फंक्शन का नेचर फाइनली कैसा रहेगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा क्या होगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे ठीक है तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन जल्दी से बताइए एनी वन वैल्यू जो इस इंटरवल से कंसीडर की जा सके तो आप कहेंगे सर माइनस टेन माइनस टेन इज परफेक्ट वैल्यू तो अब हमें यहाँ पे माइनस टेन सब्सिट्यूट करना है बिल्कुल ध्यान से देखना ठीक है केस नंबर वन मतलब हम एक्स का वैल्यू माइनस टेन सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो भाई माइनस टेन माइनस वन करेंगे माइनस इलेवन नेगेटिव माइनस टेन प्लस वन करेंगे तो माइनस नाइन नेगेटिव और डिनोमिनेटर में भी माइनस टेन पुट करेंगे तो नेगेटिव ठीक है ये वाला नेगेटिव ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो एक नेगेटिव रिमेनिंग रहेगा उसी को यहाँ पे नोट करना है नेगेटिव नेगेटिव के डिनोमिनेटर में नेगेटिव तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू नेगेटिव फाइनल वैल्यू नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग ठीक है भाई फाइनल आंसर नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग आप कहेंगे सर हमें डाउट है अरे भाई हमने यहाँ पे वैल्यू नोट नहीं करी माइनस टेन माइनस वन माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाय माइनस नाइन के डिनोमिनेटर में माइनस टेन है ना तो ये दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे

जीरो पॉइंट फाइव सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन करेंगे पॉजिटिव आंसर डिनोमिनेटर में माइनस का जीरो पॉइंट फाइव नेगेटिव आंसर ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे आंसर हमारा पॉजिटिव बनेगा आंसर हमारा पॉजिटिव बनेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस प्लस डिवाइड में माइनस तो आंसर हमारा पॉजिटिव 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 है 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 का का मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक भाई व्हाट द मीनिंग मीनिंग ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वन, तो जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव पुट करेंगे नेगेटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव आ गया ठीक है जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे इदर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आ गया डिनोमिनेटर यहां पे जीरो पॉइंट फाइव सब्सिट्यूट करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव ठीक है आंसर विल बी पॉजिटिव तो दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ठीक है ओनली वन इज नेगेटिव तो नेगेटिव का मतलब है आंसर भी हमारा नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग रहेगा ठीक है भाई नेगेटिव का मतलब क्या है डिक्रीजिंग रहेगा अब आप यहीं पे सोचो अगर आप ये जीरो कंसीडर ही नहीं करते ठीक है अगर आप ये जीरो कंसीडर ही नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि भैया जीरो से पहले इंक्रीज कर रहा है जीरो के बाद डिक्रीज कर रहा है तो जीरो भी एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है ठीक है जीरो से पहले भी इंक्रीज और डिक्रीज का डिसीजन बनाया जा रहा है नाउ वन से बड़ा वैल्यू वन से बड़ा वैल्यू फाइव है फाइव माइनस वन फोर होता है फोर पॉजिटिव है फाइव प्लस वन सिक्स होगा पॉजिटिव होगा और सिंपल एक्स वैल्यू यानी कि करेंगे पॉजिटिव का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव और पॉजिटिव से आंसर बनेगा इंक्रीजिंग ठीक है भाई सो so, इस क्वेश्चन में दो इंटरवल इंक्रीजिंग के हैं और दो इंटरवल डिक्रीजिंग के हैं यह सारा हमने रवक करा है ठीक है आपको बस लास्ट में नोट करना है एफेक्स इक्वल टू मतलब इज इंक्रीजिंग जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा कहाँ इंक्रीज करेगा तो एक तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा no तो माइनस वन से जीरो में इंक्रीज करेगा यूनियन साइन और यहाँ पे तो इंक्रीज करेगा तो वन से लेके इंफिनिटी पे इंक्रीज करेगा एंड यही फंक्शन डिक्रीज करेगा ठीक है यही फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा तो कहाँ डिक्रीज हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा एक तो इधर यहाँ पर तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में यूनियन साइन और यहाँ पर जीरो से वन में ठीक है अभी जीरो सेवन में तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर आए हैं दो तो इंटरवल डिक्रीजिंग के हैं दो तो इंटरवल इंक्रीजिंग के हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आएगा तो उस वेरिएबल का भी फैक्टर एज्यूम किया जाएगा वहां से भी वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद इंटरवल नोटेशन में सब्सिट्यूट किया जाएगा अगर नहीं करेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा सो बी केयरफुल ओके नाव इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे सिक्स्थ करेंगे देखिए फिफ्थ पार्ट के जैसा ही सिक्स पार्ट हमें करना है बस फिफ्थ पार्ट में आपको ये दोनों टर्म सेपरेट करके दी हुई थी यहाँ पर कंबाइन करके दी है कोई दिक्कत नहीं है हम खुद से इसको पहले सेपरेट करेंगे ठीक है सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो पहले एफ ही नोट होगा ठीक है इक्वल टू आपके पास बनेगा के में x के में के के एडिशन डिवाइड इस वाले वैल्यू को न्यू, ये दोनों टर्म्स साथ हमने सेपरेट कर दिया है तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारे पास सिंपल फोर एक्स और यहाँ पे एक्स ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है ठीक है अब डेरिवेटिव करेंगे

ठीक है और डिनोमिनेटर में सिंपल एक्स पावर टू देखो भाई अगेन हम आपको कहेंगे डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है तो उसे भी कंसीडर करके हमें देखना पड़ेगा क्रिटिकल वैल्यू क्या है ठीक है ना ऑलवेज रिमेम्बर ठीक है ना तभी बुक में आपको दो पार्ट सेम सेम करके दे रखे हैं तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव को जीरो करना है सो एफ डैश एक्स को हमने जीरो किया एफ डैश एक्स को हमने जीरो किया तो पहला फैक्टर यह वाला है सो so, एडिशन करने पर हमारे पास x का वैल्यू टू एक्स का वैल्यू माइनस वन है और x का वैल्यू माइनस में वन बाई टू है सेकेंड फैक्टर विल बी x पावर टू तो अगर हम x पावर टू को जीरो करते हैं टू वहां पे जाके रूट बनेगा सिंपल x की वैल्यू रूट ऑफ जीरो है और फिर x का वैल्यू जीरो है ठीक है फिर लास्ट में ये वाला टू एक्स माइनस वन है टू एक्स माइनस वन को अगर हम जीरो करेंगे तो टू एक्स का वैल्यू वन है और एक्स का वैल्यू वन डिवाइड बाई टू है तो हमारे पास टोटल थ्री वैल्यू आई हैं इन्हीं को हम यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे माइनस में वन बाय टू फिर यहाँ पे है जीरो और यहाँ पे है वन बाय टू वन बाय टू से इंफिनिटी और माइनस वन बाई टू से माइनस इन्फिनिटी तो देर आर टोटल फोर इंटरवल अगेन हम आपको कहेंगे अगर आप यहाँ पे ये जीरो कंसिडर नहीं करते इस वाले फैक्टर को जीरो नहीं करते तो आपके पास ये जीरो नहीं आता और फिर हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता तो आंसर को गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है ठीक है तो इसको भी हम जीरो कंसिडर करेंगे अब इसके बाद में इंटरवल मैथड ठीक है ना सॉरी इंटरवल मैथड को कहता हूँ बॉक्स मैथड ठीक है बॉक्स मैथड में सबसे पहला इंटरवल इंटरवल के बाद में यहाँ पर साइन ऑफ डेरिवेटिव ठीक है जी साइन ऑफ एफ डैश एक्स के साथ में नेचर ठीक है भाई नेचर ऑफ एफ एक्स हमारे फंक्शन का नेचर कैसा रहेगा वो सो so, इंटरवल ये वाला है सबसे पहले तो माइनस इनफिनिटी से माइनस में वन बाय टू है ठीक है सेकंड इंटरवल ये वाला है माइनस वन बाय टू से जीरो वाला ठीक है सो वन बाय टू से लेकर के इन्फिनिटी ठीक है, और फिर में ये वाला है so से लेकर इंफिनिटी ले तो टोटल फोर इंटरवल वी नीड टू चेक तो सबसे पहले ये वाला इंटरवल माइनस वन बाय टू होता है माइनस में जीरो पॉइंट फाइव ठीक है ना इट इज माइनस में जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पे भी लिख देते हैं जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव से छोटा वैल्यू माइनस टेन यस और नो माइनस टेन तो माइनस टेन हमें यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है ठीक है देखो भाई डिनोमिनेटर में माइनस टेन का स्कोर करेंगे तो हंड्रेड हो जाएगा और हंड्रेड का मतलब है आंसर पॉजिटिव रहेगा ठीक है भाई हंड्रेड का मतलब है आंसर पॉजिटिव रहेगा अब टू इंटू एक्स टू इंटू माइनस टेन करेंगे माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी में प्लस वन करना है तो भी माइनस नाइनटीन आएगा

अब टू इंटू माइनस में टू पॉइंट फाइव करना है ठीक है भाई टू मल्टीप्लाई बाय माइनस में जीरो पॉइंट टू फाइव करना है तो आंसर बन जाएगा माइनस में जीरो पॉइंट फाइव तो माइनस में जीरो पॉइंट फाइव में प्लस वन करेंगे ठीक है ध्यान से देखते जाओ प्लस वन करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है ना आंसर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा देखो ना वन में माइनस करना है जीरो पॉइंट फाइव तो पॉजिटिव जीरो पॉइंट फाइव तो आंसर पॉजिटिव अब यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है तो ये वाला तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव है माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस वन विल बी माइनस वन पॉइंट फाइव तो माइनस वन पॉइंट फाइव का मतलब है आंसर नेगेटिव दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव का मतलब है आंसर हमारा डिक्रीजिंग होगा ठीक है भाई आंसर क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग होगा जीरो से वन बाय टू में भी यहाँ पे जीरो पॉइंट टू फाइव सब्सिट्यूट करते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव सब्सिटी करेंगे तो लिखेंगे भाई, 2 0 .25. 0 .25 2 तो जीरो पॉइंट फाइव में वन प्लस करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव है जीरो पॉइंट फाइव में माइनस करेंगे 0.5 में अगर हम माइनस का वन करेंगे तो माइनस के वन की वजह से हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 0.5 और माइनस का 0.5 होता है हमारा नेगेटिव आंसर डिनोमिनेटर भाई पॉजिटिव रहेगा x की पावर टू है तो पॉजिटिव आंसर रहेगा यानी कि आप लिखेंगे आंसर नेगेटिव है और आंसर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी हमारा आंसर डिक्रीज करेगा ठीक है वन बाय से बड़ा टेन परफेक्ट वैल्यू है ऑलवेज टेन परफेक्ट वैल्यू टेन इंटू टू ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन पॉजिटिव है ट्वेंटी में वन माइनस करेंगे नाइनटीन पॉजिटिव है और ट्वेंटी की पावर टू करेंगे वो भी पॉजिटिव है तो यानी कि आंसर टोटल हमारा पॉजिटिव है टोटल आंसर पॉजिटिव है तो वी विल राइट ये इंक्रीजिंग है ठीक है भाई पॉजिटिव का मतलब क्या है दिस विल बी इंक्रीजिंग तो दो इंटरवल डिक्रीजिंग है दो इंटरवल इंक्रीजिंग है सो यू विल राइट हेयर ठीक है फाइनली आप नोट करेंगे एफेक्स इज इंक्रीजिंग ठीक है भाई एफेक्स जो है वो इंक्रीजिंग है तो एफेक्स कहाँ इंक्रीजिंग है एक तो इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है सो इन माइनस इनफिनिटी से माइनस वन बाय टू यूनियन साइन लगा करके ये वाला लास्ट वाला सो वन बाय टू से लेकर के इन्फिनिटी ठीक है एंड डिक्रीजिंग है ठीक है और डिक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है तो हमें पता चला है भाई डिक्रीज कर रहा है इसमें और इसमें तो यानी कि माइनस वन बाय टू से लेकर के जीरो में फिर यूनियन साइन यूनियन साइन के बाद यह वाला आंसर जीरो से लेकर के वन बाय टू में ठीक है भाई तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बना है दो इंटरवल इंक्रीजिंग के हैं दो इंटरवल डिक्रीजिंग के हैं जैसा फिफ्थ पार्ट का आंसर था वैसा ही सिक्स पार्ट का आंसर है तो इसको आप नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे सेवेंथ पार्ट करेंगे ठीक है देखिए भाई सेवेंथ पार्ट में आपको डिग्री फोर वाला पोलिनोम दिया हुआ है यानी कि बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है दिस इज नोन एज द बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो सबसे पहले डेरिवेटिव करना है सो एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू में फोर इंटू मैक्स पावर थ्री एट को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से ट्वेंटी फोर इंटू मैक्स पावर टू टू को ट्वेंटी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी फोर मल्टीप्लाई एक्स माइनस में ट्वेंटी फोर फोर वैल्यू को हम कॉमन करेंगे तो इन ब्रैकेट एक्स पावर थ्री माइनस में सिक्स इंटू एक्स पावर टू के एडिशन में इलेवन इंटू में एक्स माइनस में फोर ठीक है भाई नहीं 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 नहीं, नहीं वेरी सॉरी फोर नहीं आएगा फोर नहीं आएगा फोर तो कॉमन है फोर सिक्स ट्वेंटी फोर ठीक है भाई सो हमने बाय क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करा तो क्यूबिक पोलिनोम हमें देखने को मिला है अगर क्यूबिक पोलिनोम आया है ना तो क्यूबिक पोलिनोम को हमें क्लास नाइन्थ का कंसेप्ट अप्लाई करके इसके फैक्टर बनाने हैं क्लास नाइन्थ का कंसेप्ट कहता है पहले आप सिक्स के फैक्टर बनाओ सिक्स फैक्टर किस किस टेबल पे डिवाइड होगा तो वन पे होगा टू पे होगा थ्री पे होगा माइनस वन पे होगा माइनस टू पर होगा माइनस थ्री पे होगा हो तो इन छः वैल्यू में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो जिस वैल्यू पर आंसर हमारा जीरो हो जाए तो सबसे पहले वन ही लेके देख लेते हैं ठीक है ना x में 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 देखो भाई ये ये वाला ना आपने आपने पढ़ा पढ़ा होगा class tenth में भी होता है में तो है 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 आपके से से था ठीक तो तो नहीं थोड़ा ध्यान इसको समझो आप very, very, very important है. सबसे पहला स्टेप है सिक्स के फैक्टर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री में से एक वैल्यू धीरे धीरे करके सब्सिट्यूट करके चेक करना कहाँ पर आपका ये वाला पोलिनोम जीरो है एक्स इक्वल टू वन हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो बनेगा वन की पावर थ्री माइनस में सिक्स इंटू मै वन की पावर टू प्लस में इलेवन इंटू मै वन माइनस में सिक्स तो इसको सोल्व करेंगे नेगेटिव फाइव है इसको सोल्व करेंगे पॉजिटिव फाइव है दोनों वैल्यू कैंसिल होकर के आंसर जीरो बनाएगी यानी कि जो तीन आंसर हमारे निकल के आने हैं उनमें से पहला आंसर तो ये वाला है ठीक है फर्स्ट आंसर तो ये वाला है एक्स इक्वल टू में वन है तो भाई देखो अगर एक्स इक्वल टू वन है तो ये वैल्यू है ठीक है दिस इज द वैल्यू ठीक है ये फाइनल वैल्यू है वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर में ठीक है अभी कन्वर्ट करना है फैक्टर फैक्टर में तो के लिए क्या करेंगे इस one को यहाँ पे करेंगे, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है ना देखो माइनस वन वाला वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होके माइनस वन और इक्वल टू में जीरो है तो ये एक्स माइनस वन फैक्टर है ठीक है भाई एक्स माइनस वन फैक्टर है वन एक्स की वैल्यू है x माइनस वन एक फैक्टर है तो हमें क्या करना है x माइनस वन वाले फैक्टर से इसको डिवाइड करना है ठीक है डिवाइड करना है तो यहां पर इलेवन इंटू एक्स नेगेटिव सिक्स ठीक है भाई जो स्टेप आपको बताऊंगा वही सेम स्टेप आपको हर बार फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो ठीक है तो भाई x पावर थ्री को डिवाइड कर दो x से तो आपका आंसर आएगा x पावर टू ठीक है भाई कितना आंसर आएगा x पावर टू आएगा x पावर टू लिखने के बाद इसका साइन चेंज करो साइन चेंज करोगे तो माइनस में एक्स पावर टू हो जाएगा माइनस एक्स पावर टू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो ठीक है माइनस एक्स पावर टू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो वन बाय वन करके मल्टीप्लाई करो तो एक्स को माइनस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स पावर थ्री होगा माइनस वन को माइनस एक्स स्क्स होगा अब सिंपल आपको ब्लू तो वाला माइनस में एक्स है दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ब्लैक वाला माइनस में सिक्स है और ब्लू वाले में प्लस वन है ठीक है, 1 है। तो माइनस का सिक्स और प्लस का वन विल बी माइनस का फाइव तो माइनस का 5 x पावर 2 एडिशन में 11 नेगेटिव 6 ठीक है भाई इस तरीके से आ गया अब वही सेम स्टेप फॉलो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है तो फर्स्ट टर्म एक तो ये वाली फर्स्ट टर्म है और एक तो ये वाला एक्स है तो माइनस में 5 एक्स पावर 2 को हम डिवाइड करेंगे x से तो हमारा आंसर आएगा -5x ठीक है तो बनेगा एक्स पे कॉपी करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में फाइव एक्स प्लस में फाइव एक्स स्क्स को माइनस वन से करेंगे माइनस में फाइव एक्स आएगा तो यहाँ पे माइनस में फाइव एक्स आ गया माइनस का फाइव है प्लस का फाइव है कैंसिल हो गया प्लस का इलेवन है माइनस का फाइव है तो प्लस में सिक्स इंटू एक्स आ गया ऊपर से नेगेटिव हमने कॉपी कर लिया फिर से सेम स्टेप डिवाइड, तो से डिवाइड, से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा सिक्स पॉजिटिव सिक्स बना है तो यहाँ पे लिखेंगे अब इस सिक्स के साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव सिक्स होगा नेगेटिव सिक्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा इंटू में एक्स ठीक है भाई माइनस सिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सिक्स आएगा जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे तो प्लस का सिक्स और माइनस सिक्स कैंसिल माइनस का सिक्स प्लस का सिक्स कैंसिल कैंसिल का मतलब है जीरो हमारा रिमाइंडर बना है तो बिल्कुल करेक्ट डिवाइड हमने करी है ठीक है एक फैक्टर तो यह वाला है ही है ये वाला हमने खुद से डिटरमाइन करा था और बाकी के फैक्टर इससे सोल्व होकर के निकाले जाएंगे तो इसके आगे वाले स्टेप में आप नोट करेंगे ये इक्वल है मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले ये ब्लैक वाला तो ब्लैक वाले में एक्स माइनस वन आएगा और उसके बाद सेकंड में यह वाला आएगा ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा एक्स पावर टू माइनस में फाइव एक्स एडिशन में सिक्स आएगा ठीक है फिर दोबारा फोर के साथ में एक्स माइनस वन है सिक्स के फैक्टर प्लस करने पे फाइव हो जाए तो भाई टू और थ्री बनेंगे तो एक्स माइनस टू है और साथ में एक्स माइनस थ्री है तो भाई जो डिग्री थ्री इक्वेशन है उसके टोटल थ्री फैक्टर आएंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री और वो आएंगे कैसे तो इस तरीके से ये सब चीजें करनी पड़ेगी और ये सब चीजें हम अपने रफ वर्क में करेंगे ठीक है एग्जाम में जो आपके पास आंसर शीट होगा उसी आंसर शीट के रफ वर्क में कर देंगे मान लो कि पूरा ये आंसर शीट है ठीक है तो यहाँ पे ऐसे आप अलग से रफ वर्क लिख लेना ठीक है या आप रफ वर्क लिख लेना और ये पूरा सारी कहानी रफ वर्क में की जाएगी यहाँ पे हमें डायरेक्ट ये वाला ये वाला वैल्यू नोट करना है ठीक है फिर इसके बाद में तो आगे फैक्टर बनी जाएंगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसको करने का ठीक है ये डिवाइड आपने क्लास टेंथ में नहीं सीखी थी क्लास नाइन्थ में हंड्रेड परसेंट सीखी थी तो वही सारी चीजें आपको अभी रिवाइज हो गई होंगी वेरी वेरी गुड है ना रिवाइज हो गया है एक बार इसको अपने आप से डिवाइड करके देख लेना दो स्टेप है तो इरेज कर, कर रहा हूं ठीक है देखिए भाई अगर आगे बढ़े तो आपको तो अब आगे मालूम ही है डेरीवेटिव को जीरो करना है ठीक है डेरीवेटिव को जीरो करेंगे एफ डैश एक्स वैल्यू को जीरो करेंगे वन बाय वन पहला फैक्टर ये है तो x माइनस वन को हम जीरो करेंगे तो सिंपल सिंपल x वैल्यू वन आ गया फिर इसको जीरो करेंगे x माइनस टू को जीरो करने पर हमारा आंसर x का टू आ जाएगा और फिर इसको जीरो करेंगे वन बाय वन करके x माइनस थ्री को जीरो करेंगे तो हमारे x का वैल्यू थ्री आएगा तो टोटल थ्री वैल्यूज x की आई हैं जहाँ पे हमारे फंक्शन का नेचर आई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेंज होगा ठीक है तो यहाँ पे आप बनाइए भैया सबसे पहले तो इंटरवल बॉक्स मेथड के हिसाब से इंटरवल ठीक है भाई बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग इंटरवल इंटरवल के बाद में आपको नोट करना है साइन ऑफ डेरिवेटिव ठीक है भाई साइन ऑफ एफ डैश एक्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स के बाद में आपके पास आ जाएगा नेचर ऑफ एफेक्ट्स ठीक है भाई नेचर ऑफ एफेक्ट्स फंक्शन का नेचर कैसा है वो यहाँ पे नोट कर देंगे

और फोर्थ वाला थ्री से इन्फिनिटी, ठीक है, से है तो सबसे पहले जीरो माइनस वन करेंगे तो नेगेटिव आंसर जीरो माइनस टू करेंगे तो भी नेगेटिव आंसर जीरो माइनस थ्री करेंगे तो भी नेगेटिव आंसर तीन तीन नेगेटिव साइन है दो नेगेटिव कैंसिल होकर प्लस कर देंगे वन नेगेटिव फिर भी रिमेनिंग रहेगा वन नेगेटिव रिमेनिंग रहेगा तो माइनस का आंसर है माइनस का मतलब है डिक्रीजिंग आंसर है ठीक तो तो है भाई वन से लेके टू में वन पॉइंट फाइव इज द परफेक्ट वैल्यू ठीक है तो तो भाई फोर पॉजिटिव ही है फोर पॉजिटिव है वन पॉइंट फाइव वन से बड़ा वैल्यू है तो पॉजिटिव है वन पॉइंट फाइव टू से स्मॉलर वैल्यू है नेगेटिव है 3 से भी स्मॉलर है negative है नेगेटिव दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं, दो नेगेटिव कट के प्लस साइन कन्वर्ट कर लेंगे तो प्लस साइन का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग में टू पॉइंट फाइव परफेक्ट वैल्यू है टू पॉइंट फाइव वही फोर तो पॉजिटिव है फोर को कुछ नहीं कर सकते फोर प्लस रहेगा टू पॉइंट फाइव में वन माइनस करेंगे तो प्लस आंसर आएगा टू पॉइंट फाइव में टू माइनस करेंगे प्लस आंसर आएगा थ्री की वजह से नेगेटिव हो जाएगा तो तीन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फाइनल आंसर नेगेटिव रहेगा यस और नो फाइनल आंसर नेगेटिव रहने की वजह से आंसर हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा सिमिलर वे में तीन से बड़ी वैल्यू टेन हम ले लेते हैं तो टेन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आगे भी पॉजिटिव चारों के चारों वैल्यू प्लस साइन वाले हैं चारों प्लस साइन वाले हैं तो आंसर पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है ठीक है भाई सो दो इंटरवल में डिक्रीजिंग है दो इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो आप यहाँ पे नोट करेंगे हमें पता चला है सो एफेक्स इज इंक्रीजिंग ठीक है भाई इज इंक्रीजिंग इंक्रीज कर रहा होगा कहां पर इंक्रीज कर रहा होगा तो एफ एक्स इंक्रीज कर रहा होगा एक तो वन से लेकर टू में यूनियन साइन थ्री से लेकर के इंफिनिटी में एंड इसके साथ में ही फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग कहाँ डिक्रीज करेगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा एक तो यहाँ पर ठीक है भाई माइनस से वन में यूनियन साइन और कहाँ पे डिक्रीज करेगा और इधर डिक्रीज करेगा सो टू से लेकर थ्री में ठीक तो है भाई सो दो इंटरवल इंक्रीजिंग के हैं दो इंटरवल डिक्रीजिंग के हैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ आई है फटाफट तेजी में स्पीड में आप इसको नोट करें फिर करते हैं इसका हम एट्थ पार्ट देखिए भाई में भी हमें बायक्वाडेटिक गिवन है तो वही आपके पास क्यूबिक पोलिनोम डेरिवेटिव में आएगा और फिर वही डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमें वैल्यूज डिटरमाइन करनी पड़ेगी ठीक है तो सबसे पहले डेरिवेटिव करना है सो एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू वन बाय फोर तो सेम रहेगा मल्टीप्लाई बाय फोर इंटू एक्स पावर थ्री होगा माइनस में थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर टू है माइनस में टेन इंटू में एक्स है एडिशन में ट्वेंटी फोर है ठीक है फोर फोर कैंसिल तो आंसर बनेगा एक्स पावर थ्री माइनस में थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर टू माइनस में टेन इंटू एक्स के एडिशन में ट्वेंटी फोर कुछ भी कॉमन नहीं आता है ठीक है 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 भाई कुछ वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, तो क्या करना है? 24 का फैक्टर बनाना है. 24 किस किस थ्री होगा माइनस में टेन होगा और प्लस में ट्वेंटी फोर होगा इन्हें अगर हम कंबाइन करेंगे. करेंगे तो वन माइनस में थर्टीन है एडिशन में ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फाइव माइनस है तो आंसर ट्वेल्व 12 है ट्वेल्व 12 तो नहीं है तो एक्स इक्वल टू वन इज नॉट ए आंसर वन पे जीरो आगे बढ़ेंगे पे चेक करेंगे ठीक है ना टू पर चेक करेंगे एक्स इक्वल टू टू हम सब्सिट्यूट करेंगे सो टू पावर थ्री टू पावर थ्री इज एट टू पावर टू फोर फोर इंटू थ्री विल बी ट्वेल्व और यहाँ पे आएगा टेन इंटू टू तो टेन इंटू टू ट्वेंटी और साथ में आ गया है प्लस का ट्वेंटी फोर इन्हें हम कंबाइन करेंगे माइनस में फोर है इसे कंबाइन करेंगे प्लस में फोर है दोनों को कंबाइन करेंगे जीरो तो ये वैल्यू है ठीक है ना दिस इज द वैल्यू हमें वैल्यू नहीं चाहिए हमें फैक्टर चाहिए तो प्लस टू लेफ्ट में आके माइनस टू होगा इक्वल टू में जीरो होगा तो एक्स माइनस टू फैक्टर है ठीक है भाई एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर तो हमें अब एक्स माइनस टू से पूरा पोलिनोमल डिवाइड करना है ठीक है भाई एक्स माइनस टू से हमें कंप्लीट पोलिनोमल डिवाइड करना है तो पॉलीनोमियल है हमारे पास x पावर 3 में माइनस में 10 x में 24 फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे x पावर 3 को x से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा x पावर 2 तो यहां पे लिखेंगे x पावर 2 इसका साइन चेंज करेंगे साइन चेंज करने पे माइनस -x पावर 2 है माइनस -x पावर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले -x पावर 3 दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे

प्लस एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में टू एक्स है ठीक है भाई ये वैल्यू कैंसिल हो गई माइनस टेन माइनस टू प्लस को लिख दिया मैंने होगा प्लस लेकिन आंसर माइनस में आएगा तो माइनस में ट्वेल्व एक्स आएगा प्लस में ट्वेंटी फोर आएगा दोबारा से ये दोनों टर्म डिवाइड करेंगे तो माइनस में ट्वेल्व एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा माइनस ट्वेल्व ठीक है आंसर आएगा माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व का साइन चेंज करेंगे ट्वेल्व ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस में ट्वेंटी फोर दोनों टर्म्स कैंसिल होकर आंसर आपका जीरो हो गया अरे ये क्या यहाँ पे हमने नोट नहीं करा ये क्या बात हो गई भाई इधर पे नोट करना है ना तो x पावर ये वाला नोट कर दिया फिर ये वाला आएगा माइनस में x और फिर और फिर ये वाला आएगा माइनस में ट्वेल्व ठीक है भाई x पावर टू माइनस में x और माइनस में ट्वेल्व वहां पर वैल्यू बनेगा तो एक तो ये वाला फैक्टर है ठीक है एक है फैक्टर हमारे पास x माइनस टू फिर उसके बाद क्वेश्चन को नोट करेंगे x 2 minus, x minus में 12 है, तो ट्वेल्व के फैक्टर थ्री बनेंगे तो यहाँ पे x 2 है, और हमारे टोटल तीन फैक्टर आ गए ठीक है भाई ट्वेल्व के फैक्टर फोर और थ्री बने थे फोर और थ्री के बाद में ये वाले दो फैक्टर और एक एक्स माइनस टू फैक्टर तो इस क्यूबिक पोलिनोमल के ये टोटल तीन फैक्टर है अब आगे वही जीरो करेंगे

फटाफट ये वाला फैक्टर एक्स माइनस फोर जीरो थ्री हो गया, तीन वैल्यू आ गई हैं सबसे छोटी वैल्यू माइनस थ्री है सबसे पहले यहाँ पे माइनस थ्री आएगा माइनस थ्री के बाद टू आएगा टू के बाद फोर आ गया ठीक है भाई माइनस थ्री टू एंड फोर हमारे इंटरवल बनेंगे इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको भाई यहाँ पर बॉक्स मेथड के हिसाब से इंटरवल नोट करना है ठीक है भाई इंटरवल नोट करना है सो so पहला इंटरवल ये वाला है माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री वाला फर्स्ट इंटरवल है सो माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री फर्स्ट इंटरवल है इसके बाद में सेकंड इंटरवल ये वाला है माइनस थ्री से टू वाला सो सेकंड इंटरवल माइनस थ्री से टू वाला और फिर आगे वाला ये वाला टू से फोर वाला ठीक है भाई टू से फोर और टू से फोर के बाद में फिर फोर से इंफिनिटी ठीक है भाई फोर से इंफिनिटी आ गया है तो ये टोटल चार इंटरवल है यहाँ पे लिखना है साइन ऑफ डेरिवेटिव ठीक है साइन साइन कैसा कैसा रहेगा का कैसा है और डेरीवेटिव के बाद में नेचर कैसा है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा सो नेचर ठीक है भाई नेचर कैसा है फंक्शन का नेचर कैसा है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो माइनस थ्री से छोटा माइनस टेन माइनस टेन और माइनस टू आंसर नेगेटिव माइनस टेन और माइनस फोर आंसर नेगेटिव माइनस टेन और प्लस थ्री आंसर नेगेटिव तीन दो नेगेटिव कैंसिल होंगे फाइनल नेगेटिव नेगेटिव रहेगा negative का मतलब है डिक्रीजिंग माइनस थ्री से टू में जीरो परफेक्ट है 3 से 2 में 0 है, तो जीरो माइनस टू जीरो माइनस फोर नेगेटिव नेगेटिव जीरो प्लस थ्री करेंगे पॉजिटिव दोनों नेगेटिव कैंसिल से आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग टू से फोर टू से फोर में थ्री आंसर है टू से फोर में थ्री आंसर है तो भाई थ्री आंसर है तो थ्री माइनस टू करेंगे पॉजिटिव थ्री माइनस फोर करेंगे नेगेटिव थ्री प्लस थ्री करेंगे पॉजिटिव यानी कि एक नेगेटिव है नेगेटिव की वजह से आंसर हमारा डिक्रीजिंग है फिर फोर से इंफिनिटी फोर से इंफिनिटी टेन 10, तो टेन माइनस टू करेंगे पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव मतलब 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 है, है, है मतलब क्या है पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है सो दो इंटरवल डिक्रीजिंग है दो इंटरवल इंक्रीजिंग है, है, है फटाफट लिख देंगे सो so एफेक्स भाई जो हमारा फंक्शन है एफेक्स जो है वो इंक्रीजिंग है ठीक है तो कहाँ इंक्रीजिंग है एफ एक्स इंक्रीजिंग कहाँ पे एक तो इधर है ठीक है माइनस थ्री से टू में इंक्रीजिंग है यूनियन साइन यूनियन साइन फोर से लेकर के इंफिनिटी पे इंक्रीजिंग है एंड साथ में ही डिक्रीजिंग ठीक है साथ में ही डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग कहाँ पर है डिक्रीजिंग कहाँ पर है मेरे दोस्तों डिक्रीजिंग यहां पर है सो माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री में डिक्रीजिंग है यूनियन साइन और यहाँ पे टू से फोर में डिक्रीजिंग है ठीक है भाई फोर में डिक्रीजिंग है सो दो में इंक्रीजिंग है दो में डिक्रीजिंग है फटाफट आप इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं इसका ठीक है नाइन्थ पार्ट करते हैं ओके फटाफट तेजी में नाइन्थ करेंगे आप एक बार नोट कर लो इसे देखिएगा इस नाइन्थ क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ यही लिख के दिया हुआ है एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स ठीक है टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है जो सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है सो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हम करेंगे तो फोर एक्स पावर थ्री माइनस में फोर होगा फोर वैल्यू कॉमन करने पर X 3 1 होगा। यहां पर पावर होगा हमें बी है ठीक है तो यहाँ पे आप नोट करेंगे फोर के साथ में ही एक्स माइनस वन के साथ में एक्स पावर टू प्लस में एक्स प्लस में वन ऑलवेज रिमेंबर इस वाले फैक्टर को हम कभी भी जीरो से इक्वेट करके वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ठीक है ये वाले फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ एक ही फैक्टर को जीरो से इक्वेट करना है एक्स माइनस वन को ठीक है सो एफ डैश एक्स को अगर हम जीरो करेंगे तो एफ डैश एक्स में एक्स माइनस वन ही जीरो होगा तो हमारे एक्स का वैल्यू वन होगा ठीक है भाई अगर एक्स का वैल्यू वन है तो यहाँ पे एक ही नंबर लाइन पे वन आंसर आएगा वन से यहाँ पर इंफिनिटी हो गया यहाँ पे माइनस इंफिनिटी हो गया तो इंटरवल में सिर्फ दो ही इंटरवल बने इस बार ठीक है भाई इंटरवल में दो ही इंटरवल आए एक आया माइनस इंफिनिटी से वन और एक आया है वन से लेके इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से वन में डेरिवेटिव का साइन तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स ठीक है भाई साइन ऑफ एफ डैश एक्स तो माइनस वन से छोटा वैल्यू जीरो है ठीक है वन से छोटा वैल्यू जीरो है तो जीरो माइनस वन नेगेटिव है पे है, पे पॉजिटिव पॉजिटिव है है तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव का मतलब का मतलब क्या है डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे लिख देंगे नेचर ठीक है भाई नेचर ऑफ एफेक्स एफेक्स का नेचर क्या नेचर डिक्रीजिंग है वन से इन्फिनी वन से इनफिनिटी में टेन ले लेते हैं तो 10 में 1 माइनस करेंगे 9 आएगा पॉजिटिव तो 4 पॉजिटिव 9 पॉजिटिव ये वाला आंसर भी पॉजिटिव रहेगा तो आंसर पॉजिटिव 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 से आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग तो आप क्या लास्ट वाली स्टेटमेंट नोट कर लोगे fx इज इंक्रीजिंग इन वन से इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 1 ठीक है भाई लास्ट वाली स्टेटमेंट आप अपने आप से नोट कर लेना क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है है बस आपको लास्ट में नोट करना इज डिक्रीजिंग इन लेकर इन्फिनिटी वेरी 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 सिंपल है ना आसान है आगे बढ़े नाइन्थ किया ना हमने टेंथ करते हैं देखिए इस टेंथ पार्ट में आपको ऐसा एक मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन बना के दिया हुआ है तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होगा ओके जैसे प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव करते हैं वही सेम पे अप्लाई होगा सो so में सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे थ्री बेस पे आएगा पावर कम हो जाएगी एक्स माइनस वन पावर टू हो जाएगा अब एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स का डेरिवेटिव वन है वन का डेरिवेटिव जीरो है साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आ गया एडिशन साइन अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू बेस पर आएगा चेन रूल के हिसाब से एक्स माइनस टू पावर वन हो जाएगा ठीक है एक पावर कम हो गया एक्स का डेरिवेटिव डेवेटिव टू का डेरिवेटिव जीरो के साथ में फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई में रहेगा पावर सो दिस इज द कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन ऑफ गिवन फंक्शन ओके अब देखो जरा यहाँ पे कुछ कॉमन आता है क्या ठीक है ध्यान से देखो कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो ये x माइनस वन की पावर टू जो है इस x माइनस वन पावर थ्री में से कॉमन आएगा तो सबसे पहले हम नोट करेंगे एक्स माइनस वन पावर टू कॉमन है फिर अगर इन दोनों में देखेंगे तो छोटी वाली पावर पावर वन कॉमन आ जाएगी तो यानी कि एक्स माइनस टू कॉमन है नाउ विद विद इन ब्रैकेट ठीक है इन ब्रैकेट ये डिग्री टू तो बाहर कॉमन है ये सिंपल वन है तो ये थ्री आएगा साथ में और थ्री के साथ में ये वाला वैल्यू बनेगा तो थ्री के साथ में एक्स माइनस में टू आ गया ठीक है भाई ये पावर टू में से पावर वन यहाँ पे है पावर टू अंदर आएगा सो थ्री के साथ एक्स माइनस टू फिर एडिशन में टू है ये पावर वन तो बाहर कॉमन है वन का कुछ लेना देना नहीं है पावर थ्री में से पावर टू बाहर है तो इसका मतलब पावर वन अंदर होगा वन इसको क्लोज कर देंगे तो तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई सबसे पहले तो है वन की होल पावर टू इसके बाद में है एक्स माइनस टू अब इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो ध्यान से देखना थ्री एक्स है और टू एक्स है थ्री एक्स और टू एक्स टोटल हो जाएगा फाइव एक्स माइनस का सिक्स है और माइनस का टू है ध्यान से देख रहे हो आप मेरे को थ्री इंटेटिव सिक्स है है, 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 है तो और करा ये हमारा बन गया, ठीक भाई, टोटल फैक्टर सबसे पहले एक्स माइनस वन का स्क्वायर फिर एक्स माइनस टू फिर उसके बाद फाइव एक्स माइनस थ्री अब बारी बारी करके हमें इन सभी फैक्टर को जीरो करना है ठीक है सो डेरिवेटिव को जीरो करेंगे तो एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स को जीरो करना है तो एक्स माइनस वन सबसे पहले जीरो होगा इसका मतलब एक्स का वैल्यू वन है फिर एक्स माइनस टू को भी हम जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू टू है इसके बाद फाइव इंटू एक्स माइनस में एट को अगर हम जीरो करेंगे तो हमारे एक्स का वैल्यू एट डिवाइड बाई फाइव है ठीक है भाई ये तीन वैल्यू हमारे सामने आई है इन तीनों वैल्यू को अगर हम नोट करेंगे तो भाई एट बाय फाइव कितना है एट बाय फाइव कितना है वन पॉइंट कुछ है ये है ना 8/5 इज 1.1.6 है ये है ना 1.6 है तो सबसे पहले 1 आएगा ठीक है सबसे पहले 1 आएगा 1 के बाद में 1.6 यानी कि 8/5 आएगा और इसके बाद में यहाँ पे 2 आएगा 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 से छोटा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा सो so 1 2 3 4 फैक्टर हमारे सामने आए हैं तो हम यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे बॉक्स मेथड के हिसाब से सबसे पहला इंटरवल है ठीक है भाई इंटरवल्स के बाद में डेरिवेटिव का साइन है तो एफ डैश एक्स का साइन है ना भाई साइन ऑफ एफ डैश एक्स साइन के बाद में आपका आएगा नेचर ठीक है भाई क्या आएगा यहाँ पे नेचर तो नेचर ऑफ एफ एक्स ठीक है भाई फंक्शन का नेचर कैसा है तो सबसे पहला इंटरवल ये वाला है माइनस इनफिनिटी से वन सो माइनस इंफिनिटी से वन का पहला इंटरवल है ठीक है वन से छोटा वैल्यू जीरो है जीरो अगर मैं हर जगह सब्सिट्यूट करूंगा तो जीरो माइनस वन का मतलब इंक्रीजिंग आंसर है ठीक है तो वन से लेकर के एट बाई फाइव वाला ठीक है भाई वन से लेकर के एट बाई फाइव यानी कि वन पॉइंट सिक्स तक है तो वन पॉइंट फाइव कर लेते हैं 1.5 है 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 के बीच में में चाहे चाहे हो हो हमेशा 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 रहेगा तो वाला तो वाला हर में वाली हमेशा रहेगी उसको बार-बार चेक करने की नहीं ठीक ना हम यहाँ पे चेक करते हैं इधर इधर वन पॉइंट करेंगे तो 1.5 और 2 2 ग्रेटर वैल्यू है तो नेगेटिव आंसर यहाँ करेंगे 5 1.5 है ना 5 1.5 7.5 7.5 प्लस है और 8 बड़ा है तो माइनस आंसर है माइनस का मतलब है आंसर हमारा पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर भी इंक्रीजिंग होगा ठीक है फिर 1.5 से लेके 2 में 1.5 से लेके 2 में 1 हम सॉरी 1. 1. गलत कह रहा हूँ मैं 1.6 से लेके 1 2 में 1.8 कर लेते हैं ठीक है अभी 1.8 कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई एट बाय फाइव से लेकर के टू है तो हमने वैल्यू लिया है भाई ये तो पॉजिटिव है ना में माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव है हैल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन पॉइंट फाइव नाइन पॉइंट फाइव में एट माइनस करा तो पॉजिटिव आंसर दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस है माइनस का मतलब आंसर हमारा डिक्रीजिंग है ठीक है भाई अब टू से बड़ा वैल्यू तो टू से बड़ा तो टेन परफेक्ट है Is perfect, -2 करेंगे, positive, -2 करेंगे, positive, तो, का का मतलब तो यहाँ पे लिख दो इन्फिनिटी जो है हमारा आंसर इंक्रीज है तो तीन इंटरवल हमारे इंक्रीजिंग के है एक इंटरवल हमारा डिक्रीजिंग का है तो नोट करेंगे सो एफ एक्स ठीक है भाई एफेक्स इज डिक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है तो इसको पहले लिख लेते हैं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग कहा डिक्रीज करेगा सिर्फ इस इंटरवल में एट बाय फाइव से लेके टू में ठीक है भाई से लेके टू में डिक्रीज करेगा एंड इसके अलावा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ठीक है भाई एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन कहा इंक्रीज करेगा एक तो सबसे पहला इंटरवल है तो माइनस इंफिनिटी से वन वाला है यूनियन साइन वन के बाद में वन से एट बाय फाइव है ठीक है फिर यूनियन साइन लास्ट वाला टू से इंफिनिटी है ठीक है भाई, लास्ट वाला से है, तो तीन इंटरवल इंक्रीजिंग के हैं, एक इंटरवल डिक्रीजिंग का है फटाफट फास्ट मेथड से आप इसको नोट करेंगे इसके बाद हम लास्ट पार्ट करेंगे डेट इज द इलेवेंथ पार्ट और फिर हमारा ये वीडियो फिनिश हो जाएगा ठीक है फटाफट आप एक बार नोट कर देखिए भाई इलेवेंथ विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो सबसे पहले डेरिवेटिव ठीक है ना एफ डैश एक्स इक्वल टू में एक्स पावर फोर का डेरिवेटिव फोर इंटू एक्स पावर थ्री डिवाइड सेम माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड इलेवन मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स डिनोमिनेटर टू एंड सिक्स ठीक है भाई ये आंसर बनेगा ठीक है ना रुको वेट अ सेकेंड मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन में मुझे कहीं गड़बड़ महसूस हो रही है यही है क्या एक्स पावर फोर बायर माइनस परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स पावर थ्री माइनस में सिक्स इंटू में एक्स पावर टू प्लस में इलेवन इंटू में एक्स नेगेटिव सिक्स आपको याद होगा यही सेम क्यूबिक इक्वेशन हमारे इससे पहले वाले पार्ट्स में आई थी कहीं पर मुझे याद नहीं आ रहा कौन से वाले पार्ट में आया था लेकिन डेफिनेटली आया था तो उस वाले पार्ट से कॉपी करके डायरेक्ट हम नोट कर देते हैं इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे ठीक है सबसे पहले तो पे सेटिस्फाई कर देगा तो एक्स माइनस वन आएगा ठीक है भाई एक फैक्टर तो एक्स माइनस वन आएगा फिर एक्स माइनस वन से पूरी क्यूबिक पोलिनोम को हम जब डिवाइड करेंगे तो साथ में आपके पास वैल्यू बनेगा एक्स पावर टू ठीक है जो क्वेश्चन आता है वो बता रहा हूं मैं तो एक्स पावर टू माइनस में फाइव इंटू एक्स एडिशन में सिक्स ठीक है भाई इसको वन सब्सिट्यूट करेंगे जीरो हो जाएगा उसके बाद ये वाला अलग से फैक्टर आएगा तो आपके पास आंसर बनेगा यहाँ पे x माइनस वन के साथ में सिक्स के फैक्टर प्लस करने पे माइनस का फाइव हो जाए तो x माइनस टू बनेगा और साथ में x माइनस थ्री बनेगा ठीक है भाई तो टोटल तीन फैक्टर बनेंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू और साथ में x माइनस थ्री बारी बारी करके तीनों फैक्टर को हम जीरो करेंगे तो f डैश एक्स को हम जीरो करेंगे ठीक है f डैश एक्स को जीरो करेंगे सबसे पहले x माइनस वन जीरो होगा तो आप लिख दोगे x का वैल्यू वन है फिर x माइनस टू को हम जीरो करेंगे तो हमारे x का वैल्यू टू है इसके साथ में x माइनस थ्री को अगर हम जीरो करेंगे तो हमारे x का वैल्यू थ्री है ठीक है भाई x का वैल्यू वन है x का वैल्यू टू है x का वैल्यू थ्री है इसके बाद में इंटरवल्स हमें बनाने हैं तो इंटरवल ठीक है भाई इंटरवल इंटरवल के बाद में साइन ऑफ डेरिवेटिव फटाफट स्पीड से नोट करेंगे ऑफ़ डेरिवेटिव का sign, और साथ में नेचर ठीक है भाई साथ में नेचर ऑफ एक्स फंक्शन का नेचर कैसा रहेगा वो यहाँ पे नोट करेंगे पहला इंटरवल यही बनेगा माइनस इसको चलो यहाँ पे नोट कर लो यहाँ पे नोट कर लो वन है ठीक है भाई वन है वन के बाद में टू है टू के बाद में थ्री है थ्री से इन्फिनिटी है और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी तो से वन ठीक है माइनस इंफिनिटी से वन है माइनस इंफिनिटी से वन के बाद में वन से लेके टू है वन से टू के बाद में टू से थ्री है ठीक है भाई टू से थ्री है और टू से थ्री के बाद में थ्री से इन्फिनिटी है ठीक है भाई थ्री से इन्फिनिटी है तो भाई वन से छोटा यार जीरो वैल्यू है वन से छोटे पे जीरो वैल्यू है यहाँ पे हम जीरो करेंगे तो हमारे आंसर नेगेटिव 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 बनेंगे आंसर का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा आगे नेगेटिव रहेगा ठीक है पॉजिटिव का मतलब आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग टू से थ्री में टू पॉइंट पहले दो पॉजिटिव रहेंगे पहले दो पॉजिटिव फिर नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस का मतलब और तीन से बड़ा दस ले लेते हैं दस हर जगह सब्सिट्यूट करेंगे पॉजिटिव 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 का मतलब है आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग ठीक है सो so, दो इंटरवल डिक्रीजिंग के हैं दो इंटरवल इंक्रीजिंग के हैं आप इसको लास्ट में अपने आप से नोट कर लेना ठीक है भाई फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन वन से लेके टू यूनियन थ्री से लेके इनफिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से वन एंड टू से लेके थ्री इतना तो आप कर लेंगे ना सारे पार्ट्स आपको करवाए बस एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको अपने आप नोट करना है वो अपने आप नोट कर लेना तो यहाँ पे अब हमारा ये सिक्स पॉइंट फोर एक्सरसाइज कंप्लीट होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा कंप्लीट हो गया है अगर आपने रिमेनिंग क्वेश्चन का वीडियो देखना है मतलब नहीं देखा है तो चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जाकर के आप उसको देखिए ठीक है आई थिंक टोटल तीन वीडियो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जिसमें से यह वाला तीसरा वीडियो है तो पहले के दो वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाए गए हैं तो उन्हें आप जाके देखे नहीं देखा है और देख लिया है तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर कर दो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना बिकॉज हम आपको क्लास ट्वेल्थ अप्लाइड मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं जानदारी मानदार तरीके से आप लोग भी थोड़ी सी ओनेस्टी हमारे साथ दिखाइए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में और एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव डिस्कस करेंगे